लगभग 10 साल पहले की बात है, 2012 में जब मैं एज अ स्टूडेंट कानपुर में रहा करता था, तो अभी मेट्रो नहीं चला करती थी। तब हम लोग को शहर में कहीं भी जाने के लिए या तो बसेस या तो किसी भी रिक्शा वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती थी। मगर आज मैंने कानपुर विज़िट किया और लगभग 10 साल बाद मैं कानपुर आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो वगैरह की सुविधा यहाँ भी अवेलेबल हो गई है। तो चलिए करते हैं छोटी सी मेट्रो की यात्रा। हमारी यात्रा ज़्यादा लंबी तो नहीं होने वाली है। हमें जाना है, एक्चुअल में हमें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाना है, लेकिन ये मेट्रो वहाँ तक नहीं जाएगी। हमें जाना है, ये कौन सा है, गुरुदेव चौराहा। तो हमें रावतपुर की टिकट लेनी पड़ेगी। चलिए करते हैं फिर जर्नी स्टार्ट। छोटी सी जर्नी रहेगी मेट्रो की, कानपुर मेट्रो की। तो यहाँ के जो टिकट का जो सिस्टम है, वो हमारे पास जो टोकन वाला सिस्टम होता है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे QR बेस्ड टिकट है। एंट्री गेट पे ही QR कोड स्कैन होता है और उसके बाद फिर जो गेट है वो ओपन होता है। फिलहाल हम खड़े हुए हैं, ट्रेन का वेट हो रहा है। यहाँ के जो फील है वो बिल्कुल लखनऊ के जो मेट्रो है वही वैसा ही लगता है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। हालांकि लखनऊ मेट्रो और कानपुर मेट्रो एक ही संस्था के अंतर्गत आती है, जो कि है UPMRCL, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरी तरफ जाने वाली मेट्रो आ गई है, लेकिन अभी हमारी वाली ट्रेन आनी बाकी है। Thank you.